छापे मारी और अपने जाबाज अंदाज के लिए मशहूर जनता का मसीह जिसे अपने पद का कोई गुमान नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने पद से भरोसा दिलाने वाले आईएस दीपक रावत। पूरे अवैध खनन में गिन लो 100%। उत्तराखंड के आईएएस अफसर दीपक रावत की गिनती देश के तेज तर्रार अफसरों में होती है। अक्सर अपने अनोखे अंदाज में छापे मारने को लेकर ये सुर्खियों में रहते हैं। जनता की शिकायत का इंतजार न करते हुए वे खुद ही फील्ड पर हल निकालने पहुंच जाते। उनके इस अनोखे अंदाज में काम करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। कुछ किस्से हम भी देखते हैं। आईएएस दीपक उनके इस जाबाज अंदाज के कारण हमेशा जनता के बीच खूब शुमार रहते हैं। ऐसे कई अफसर आपने देखे होंगे जो जनता से जुड़ी समस्या को पता करते, देखते हैं, समझते हैं और जांच करते। लेकिन आईएएस दीपक रावत ऐसे दबंग अधिकारियों में से एक है जो जमीन पे उतरकर खुद जनता की समस्या सुनते हैं, समझते हैं और फिर समाधान निकालते। इसी वजह से दीपक रावत अपनी अद्भुत कार्यशैली के लिए काफी चर्चित रहते। उनका निरीक्षण करने का अंदाज बेहद निराला है। जहां वहां जिस किसी भी सरकारी कार्यालय, संस्थान आदि निरीक्षण अचानक ही करते हुए, छापेमारी करते हुए नजर आते हैं, जैसे किसी प्रकार की रेड पर। इसके साथ ही दीपक रावत बिना किसी भय से काम करने वाले एवं तेज तर्रार ऑफिसर जो बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने कार्य करते और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी सही ढंग से कार्य करने पर लतार लगा देते। दीपक रावत इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि फेसबुक पर उनके नाम से फैन क्लब तक बना हुआ है, जहां उनके लाखों फॉलोवर्स। 43 साल के आईएएस दीपक रावत मूल रूप से उत्तराखंड में मसूरी के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी विजेता सिंह भी एक वकील है। आईएएस दीपक के दो बच्चे हैं, बेटी का नाम दिरीशा है और बेटे का नाम दिव्यांश है। दीपक रावत बचपन से ही स्क्रैप डीलर बनना चाहते थे। इसी वजह से उन्हें पुरानी पॉलिश की खाली डब्बिया और कबाड़ के इलेक्ट्रिक गैजेट्स इकट्ठे करने का शौक। दीपक रावत के इस शौक से उनके पिता को काफी थे। वे उन्हें हमेशा पढ़ाई कर कुछ नौकरी करने का ही बोलते रहते। फिर जब दीपक रावत ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात बिहार के कुछ होनहार छात्रों से, छात्र यूपीएससी की तैयारी कर। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने भी तैयारी शुरू कर और 2007 में दूसरे अटेम्प्ट में दीपक रावत ने सिविल सेवा परीक्षा पास और वह उत्तराखंड कैडर के अफसर बने और आज अपने निडर अंदाज से जनता के बीच खूब मशहूर। और उन अधिकारियों के लिए एक सीख है जो अपने पद मिलने और उन अधिकारियों के लिए एक सीख है जो अपना पद मिलने के बाद जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर देते। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।